खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। साइलेंस, सभी शांत रहेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर ही, आंखें बंद, आईज को क्लोज करके रखेंगे। प्राण श्वास के संस्पर्श को भीतर तक गहरा महसूस करेंगे। आपको बहुत बड़ा काम करना है, शरीर को भी स्वस्थ बनाना है, मन को भी प्रबल बनाना है। हौसले बुलंद हो, महान लक्ष्य हो सामने, बड़े सपने देखना, छोटा कभी सोचना ही नहीं, और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 12-12, 14-14, 16-16 घंटा पढ़ाई करना। ये टीवी मत देखना ज्यादा। और बच्चे तो क्या करते हैं, स्कूल से आते ही फेंक दिया थैला एक तरफ और देख गए कार्टून। कार्टून देखने के लिए बैठ जाते टीवी के सामने। जो कार्टून देखते हैं ना, वो कार्टून ही बन जाते हैं थोड़े दिनों में। ओ किसे देखो, एक दिनचर्या बनाओ अपनी, आधा घंटे से ज्यादा टीवी देखना ही नहीं, और जब एग्जाम का वक्त हो, बहुत पढ़ाई हो, तो आधा घंटे भी नहीं देखना। क्या जरूरी है, हमने तो टीवी देखा ही नहीं। हमें बहुत लोगों ने कहा बचपन में, टीवी देखो, पिक्चर देखो, तो हमने एक ही बात कही थी, मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, मैं दुनिया में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसे बनके दिखाऊंगा जिससे दुनिया के लोग मुझे देखें। आप कुछ ऐसा करके दिखाओ, जमाना तुम्हें देखे। आज हम जहां तक पहुंचे, मैं एक ही बात कहता हूं बार बार, माता पिता की दुआएं और गुरुओं के आशीर्वाद, इससे आदमी बड़ा बनता है, महान बनता है। माता पिता के चरणों में गंगा यमुना सरस्वती का वास है, सारे देवी देवताओं का वास है, माता पिता के चरणों में स्वयं भगवान का वास है। जो सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम कर लेता है, उसको गंगा यमुना स्नान की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सब तीर्थों की स्नान का फल मिल जाता है। इसलिए सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करो, उठ माता पिता का प्रणाम करो और उनके आशीर्वाद लो सुबह उठते ही। तो कल से सब बच्चे उठ करके माता पिता को हाथ उठा करके संकल्प लेते हो, कल से कितने बच्चे मां बाप को प्रणाम करेंगे उठ के? तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत डिसिप्लिन, बहुत अनुशासन। ऐसा ही अनुशासन पूरी जिंदगी भर बना के रखना, तब मां भारती का मान बढ़ेगा। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं भारत हूं, मैं एक संस्कृति हूं, मैं एक परंपरा हूं। और आओ आपको पांच आसन पहले बताते हैं, फिर उसके साथ साथ और भी बातें बताएंगे। पांच आसन हाइट बढ़ाने के लिए पहले एक छोटी सी क्रिया करा देते हैं, उसको बोलते हैं बटरफ्लाई। दोनों पैरों को तलवों से मिला लो तो और हिलाओ, जब हिलाओगे तो घुटने जमीन को छूने लगेंगे, इसका नाम है, सीधे बैठो, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। क्या नाम है इसका? बटरफ्लाई करो करो करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, हिलाओ हिलाओ, अच्छे से हिलाओ। आपके घुटने जमीन पर टिक रहे हैं ना? किसी किसी के तो बटरफ्लाई बोलते हैं तितली को, किसी की तो तितली ऊपर ऊपर ही उड़ रही है। ये पैरों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब दोनों हाथ मोड़ लो, तो कंधों से के ऊपर रख लो हाथ, कोहनियों से दोनों हाथ मुड़े हुए और दोनों कोहनियां सामने मिली हुई, और गोल घुमा दीजिए। पढ़ाई करते करते जब कमर दुखने लगे, कंधे दुखने लगे, तो दोनों तरफ से ऐसे ऐसे घुमा लो, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ऐसे ही रोज करना है आपको, बहुत सुंदर।
रिलैक्स। ये बच्चों के लिए अब 5 आसन हाइट बढ़ाने के लिए। सबसे पहले सर्वांगासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। 3 आसन लेट करके, 1 आसन बैठ करके, 1 आसन खड़ा होके। पहले बैठने वाला करा देते हैं। चलो तो पैर सीधा करो, जगह है ना, है तो दोनों पैर सामने खोल लीजिए, दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाइए और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाइए, सांस पूरा बाहर और कोहनिया जमीन पर टिकाइए, माथा घुटनों से लगाइए, सांस बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ, पहली अंगुली अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ो, कोहनिया जमीन पर माथा घुटनों से लगाओ, तो हाथ ऊपर। किसी किसी के हाथ छोटे पड़ गए हैं ना, हाथ छोटे नहीं पेट मोटे पड़ गए हैं, श्वास बाहर छोड़ो तो और झुक जाओ आगे, माथा घुटनों से लगा दो, बहुत सुंदर, फिर ऊपर और हाथ दोनों साइड से नीचे। ये था पश्चिमोत्तानासन, क्या नाम है इसका। अब लेट जाएंगे और लेट करके देखो, पहले एक बार देख लेंगे मंच पर, लेट जाओ बेटे, सर्वांगासन करना है, दोनों पैर उठाओ धीरे धीरे, उठा दो, उठा दो, दोनों पैर उठा दो 90 डिग्री पर, दोनों हाथ पीछे कमर के और पैर ऊपर 90 डिग्री पर सीधे, बहुत सुंदर करो, ऐसे ही सब बच्चे करो, रुको बेटा थोड़ी देर ऐसे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा करे, करो करो बच्चों, सब बच्चे करेंगे, कर लो बच्चों, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, करो करो करो, मैं देख रहा हूं जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको हम ज्यादा आशीर्वाद देंगे, करो करो। पैर ऊपर 90 डिग्री पर सीधे, पूरा भार कंधों पर और सिर के ऊपर, दोनों हाथ के, बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ सामने वाले बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो दाएं बाएं लुढ़क रहे हैं, बहुत सुंदर। वापस धीरे धीरे नीचे, पहले हाथ हटाइए, ये था सर्वांगासन, क्या नाम है इसका। प्रत्येक आसन लेटे रहो, अभी लेटे रहो, अभी अगला आसन कराएंगे, ये 2 मिनट करना है, 1 से 2 मिनट। प्रत्येक आसन का कितना टाइम है, 1 से, और 5 आसन यदि 2-2 भी मिनट करते हैं तो कितना वक्त लगता है, 10 मिनट करने से तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे आईसाइट भी बढ़ेगी, मेमोरी भी शार्प होगी। देखो अब सर्वांग आसन के बाद हलासन, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए धीरे धीरे और ऊपर उठा करके पैर पीछे टिका दीजिए, पीछे पीछे पीछे, यस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे डीवाई पाटिल स्कूल की बेटियां और ज्ञान प्रबोधिनी के बेटे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर वापस लेटे ही रहेंगे, लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो और पैर नीचे ले आओ वापस। ये था हलासन, क्या नाम था इसका। अब चक्रासन करेंगे, दोनों हाथ कंधों के पीछे और दोनों पैर मोड़ लीजिए, लेट करके करेंगे, पहले दोनों हाथ कंधों के पीछे, दोनों पैर मोड़ लेंगे और बीच से उठा दो, करो करो करो, बहुत अच्छा करो 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 करो, सुंदर, और धीरे धीरे नीचे। चलो अब सब बच्चे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर, ताड़ासन 5वां आसन, खड़े हो जाओ बेटा, दोनों हाथ सिर के ऊपर, पहला अभ्यास, ताड़ासन के 2 अभ्यास हैं ये, ऊर्ध्व ताड़ासन पहले, दोनों पैर पास में, श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाएंगे, एक उठा दो हाथों के थैले ऊपर की ओर, एड़े ऊपर उठ जाएंगे, देखो तो 2 नीचे, फिर
फिर से एक बार एक उठाओ तो बहुत अच्छा, करो 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 करो, दो नीचे, बहुत सुंदर करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर से एक बार एक दो नीचे, दोनों हाथ सामने जंघाओं के ऊपर और सामने से हाथ ऊपर उठाएंगे, ताड़ासन, एक सामने से हाथ ऊपर उठाओ, एक ऊपर उठाओ, एड़ी पे उठ जाएंगे, देखो दो साइड से नीचे लिया, ये हाइट बढ़ाने के लिए पांच अभ्यास हो गए। और अब सभी बच्चे एक साथ बैठ जाएंगे नीचे, बहुत अच्छे बच्चे। ये बताया आपको हाइट बढ़ाने के पांच जरूरी आसन, ये रोज करना भाई। अच्छा अब देखो बच्चे, यदि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है तो शीर्षासन कर सकते हैं, शीर्षासन करो, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं और इंटरलॉक करके दोनों हाथों को और देखो पैरों को ऊपर उठा देते हैं, ये शीर्षासन। नीचे वाले भी बच्चे कर लो जो करना जानते हैं, करो करो एक साथ करो सभी, धीरे धीरे करना, गिरना मत, धीरे धीरे करो करो करो, बहुत अच्छा, ये शीर्षासन बच्चे कर सकते हैं। वापस, ये शीर्षासन था। अब देखो ये बच्चे ही करना, बड़े मत करना। अब बैठ जाओ, अब बच्चे कुछ आसन कर सकते हैं, कठिन आसन। अब जैसे पूर्ण वृश्चिक आसन है जो बच्चे मलखंब पर कर रहे थे ना, सामने देखो तो एक बार पूर्ण वृश्चिकासन, वृश्चिकासन दोनों हाथ रख करके पैर ऊपर उठा करके सिर के ऊपर, देखो पूर्ण वृश्चिकासन, ये देखो, ये देखो बच्चा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, पैर पीछे से उठाएं और उठा करके सिर के ऊपर रख दिया, वापस बेटा। तो ये बच्चे कर सकते हैं ऐसे, इनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो इससे और आपके स्नायु तंत्र, आपके मसल्स, आपकी बॉन्स और ज्यादा स्वस्थ होंगी। खैर आपको प्राणायाम तो सबको आ गए ना, आपने प्राणायाम ही कर लिया। और एक दो बातें खास बताते हैं बच्चों के लिए, बहुत से बच्चे रात को शूशू कर देते हैं। अच्छा आपको स्कूल में पेशाब के लिए जाना होता है तो कौन सी उंगली खड़ते हैं, कौन सी उंगली खड़ी करते, बोलो ये वाली, तो इसको ऐसे दबा दो, तो इसको दबाने से रात को सुसू, अच्छा एक ये सुसू का पॉइंट है, सुसू का पॉइंट है, रात को सुसू नहीं करेगी इसके। और इसमें एक आसन भी होता है, एक आसन भी होता है कपाल भाती के साथ साथ गोमुख आसन होता है, बाएं पैर मोड़ो तो सभी और दाहिना उसके ऊपर रख दो ऐसे, और दाहिना हाथ ऐसे उठाओ और बाएं पीछे से ले लो, ऐसे पकड़ लो, करो करो, तुम ऐसे बैठ के, ऐसे करना, ये गोमुख आसन है इसका नाम, क्या नाम है इसका, पकड़ में आ गया पीछे से, क्रॉस करके ऊपर से राइट, पीछे से लेफ्ट और यूं पकड़ लिया, उधर से ऐसे मुंह करके दिखाओ उधर, यस, ये ऐसे करना है। और फिर चेंज कर लो, पहले लेफ्ट लेग थे फिर राइट को मोड़ लो और यूं पकड़ लिया, ऐसे, यह है गोमुखासन, क्या नाम है इसका, बैठ जाओ, यह भी बच्चों के यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है।